एक तरफ शिवराज सरकार बदमाशों के अवैध कब्जों को बुलडोजर से रौंद रही है, तो वहीं शिवपुरी के एक पीड़ित के घर पर ही बदमाशों ने कब्जा कर लिया है। उसको हटाने में शिवपुरी पुलिस नाकाम हो रही है। जब पुलिस के द्वारा सुनवाई न होने के चलते नरवर निवासी महेंद्र सिंह रावत शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की कार के आगे लेटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं समय रहते लोगों ने पीड़ित व्यक्ति को उठा लिया। खास बात यह है कि मंत्री जी अपनी कार में बैठ चुके थे, तभी पीड़ित उनकी कार के आगे लेट गया, लेकिन मंत्री जी अपनी कार से नहीं उतरे और चले गए। वहीं पीड़ित महेंद्र रावत का कहना है कि नरवर में कुछ बदमाशों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है और उसके साथ मारपीट कर उसे भगा दिया। पीड़ित ने बताया कि नरवर थाने में गुहार लगाई गई, लेकिन पुलिस ने भी उसकी मदद नहीं की, जिससे परेशान होकर वह शिवपुरी पहुंचा और कलेक्टर कार्यालय में प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के कार्यों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। वहीं जब मंत्री जी बाहर आकर अपनी कार में बैठे तो युवक ने मिलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनसे मिलने नहीं दिया। इस कारण पीड़ित महेंद्र रावत आत्महत्या करने के लिए उनकी कार के आगे लेट गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह रावत। कहाँ से आयो? मंत्री की गाड़ी आगे को लेट गया तू। मंत्री की गाड़ी आने के लिए लेटा था मैं, आज बहुत थक गया हूँ। अभी गाड़ी आई, इसलिए आज नेता की मुख्यमंत्री के नेता के आगे मरेंगे तो कम से कम मामा तो पता चलेगा, शिवराज जी चौहान भी पता चलेगा। क्या हो गया था, क्या कारण था? कितने गुंडा पले पड़े बेगे का, जैसे करे गुंडा पर बिल्डोजर चला जब बिल्डोजर पले पड़े। क्या हो गया, कौन ने मार तेरे साथ, क्या करा है? पंचम सिंह छात्र अपराध दिया, चार पांच भाई हैं। क्या कर दिया? मेरे मकान पर कब्जा कर लिया जबरदस्ती, मारपीट के माँ बाप को भी भजा दिया। तेरे नाम से ही खाता वगैरह जमीन वगैरह? मेरे चार खुद के नाम से है। तो तुम्हें पुलिस में गए थे थाने में? सब गए, कल SP साहब ने भी गए, कलेक्टर साहब ने भी गई, थाने में भी गया, सुनवाई नहीं हुई। अब तक कछु नहीं भाई। आप क्या कह रहे हैं एसपी साहब? एसपी साहब क्या कह रहे हैं? आश्वासन दिया है अगर कोतवाली से गाड़ी भिजवाते हैं आपको मंत्री जी, तुरंत उसको गिरफ्तार करेंगे। मंत्री जी से आपकी बात हुई थी? मंत्री साहब पता नहीं कौन मंत्री है, खाए वो ढोटा बिल्ले तक आए। ठीक है।